आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड के अंदर. हम लोगों ने पहले तीन टाइप्स को डिस्कस कर लिया था. सबसे पहले थी होम, उसके बाद इंसर्ट, डिजाइन. आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं लेआउट. लेआउट को स्टार्ट करने से पहले मैं अब एक फाइल ओपन करता हूं और उस फाइल से कोई डाटा जो है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं. ये मैंने फाइल एक ओपन की है. इस फाइल से मैं कुछ डाटा जो है वो कॉपी कर रहा हूं. ये देखें, इसी डाटा को या इसी टेक्स्ट को मैं दो दफा कॉपी कर रहा हूं. मैंने यहां से और भी कॉपी किया. तकरीबन इस वक्त मेरे पास दो से तीन पेजेस जो है वो इस फाइल के बन चुके हैं. ये देखिए, राउंड अबाउट दो पेजेस है. लेआउट, लेआउट के अंदर सबसे पहले मेरे पास है मार्जिन. बाय डिफॉल्ट जो हम पेपर प्रिंट करते हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट की स्लाइड है, पब्लिशर का कोई भी डिजाइन हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका कोई भी पेज हो गया, वो बाय डिफॉल्ट एक इंच होता है. ये देखिए, अभी मैं इसको ओपन नहीं करता. यहां पे देखें, एक रूलर है और एक ग्रिड आपको डिस्प्ले हो रही है, एक लाइन डिस्प्ले हो रही है. तो ये एक इंच के ऊपर है. मैं इस तरफ से वर्टिकल चेक करता हूं तो यहां से भी ये एक इंच है. अगर हम लेआउट के अंदर जाके मार्जिन्स को देखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट चारों साइड एक इंच जो है वो बता रहे हैं. मैं ये मार्जिन चेंज करना चाह रहा हूं. मैं ये चाह रहा हूं कि ये 0.5 के ऊपर आ जाए. तो मैंने अभी 0.5 जो है इसको सिलेक्ट किया है. यानी जो मेरा मार्जिन है वो इस वक्त आप गौर से देखें, मैं इसमें जब क्लिक करता हूं यहां से भी 0.5 है, यहां पे क्लिक किया 0.5 है, और टॉप लेवल भी 0.5 है और इसका बॉटम भी 0.5 है. ठीक है, यानी आप मार्जिन अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो. अगर मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे ये मार्जिन कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, कस्टम मार्जिन में जाता हूं. मैं क्या चाहता हूं कि टॉप से एक इंच हो जाए, ये टॉप से एक इंच, बॉटम से भी एक इंच, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है मेरे पेज की बाइंडिंग होनी है, तो मैं इधर से भी इसको एक इंच कर देता हूं ताकि बाइंडिंग का जो एरिया वो बच जाए और राइट साइड मेरी 0.5 ही रहे. तो ओके, आप देखें आपकी राइट साइड जो है वो 0.5 है, टॉप आपका एक इंच है, बॉटम एक इंच है और लेफ्ट साइड भी एक इंच है. तो आप अपनी मर्जी से इन मार्जिन्स को लगाना चाहो तो आपकी मर्जी, खुद से अगर मार्जिन लगाने हैं तो कस्टम मार्जिन में जाके आप उसके मार्जिन जो है सेट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन. इसमें हमारे पास पेज दो किस्म है. एक, मैं अगर इसको ऐसे करता हूं तो ये मेरा पेज पोर्ट्रेट है. अगर यही पेज मैं ऐसे ओपन करता हूं तो ये लैंडस्केप है. इस वक्त देखें, बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो पेज ओपन हुआ हुआ है ये लैंडस्केप में है. ठीक है, मैं इसको यहां से जाके पोर्ट्रेट कर देता हूं. आप देखें ये लैंडस्केप आ गया. अब मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूं. यानी जो बाय डिफॉल्ट वर्किंग हो रही थी वो किसमें हो रही थी, पोर्ट्रेट में, और बाद में हमारी मर्जी हम उसको लैंडस्केप में रखें या पोर्ट्रेट में. थर्ड ऑप्शन है इसके साइज. नॉर्मली तौर पे जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें यही देखा गया है कि A4 के ऊपर काम करते हैं या लेटर्स पे काम करते हैं. कम ही चांसेस है कि लीगल पेज पे काम किया जाए, क्योंकि एक लीगल पेज का सबसे बड़ा इश्यू यह है कि जो लीगल पेज हम लोग यहां से सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैंने एक लीगल पेज सिलेक्ट किया है, अब इसका जो साइज है वो 8.5 इंच / 14 इंच है, लेकिन जो हमें मार्केट से मिलता है वो 8.5 भी नहीं होता और 14 इंच भी नहीं होता. वो तकरीबन 12.5 इंच और 1.25 इंच का पेपर होता है जिसको वो कहते हैं ये लीगल है. तो ये मार्केट का है, लेकिन हम लीगल इसलिए लीगल के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग लेटर पे या A4 पे काम करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में पता है कि ये पेज जो हमें मार्केट से मिल जाएगा हम इसी के ऊपर जिसका प्रिंट कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास ये देखिए A3 पड़ा है, आपके पास A4 पड़ा है, आपके पास B4 पड़ा है,
यानी आप जिस तरह का पेज, अगर ये पेज आपके पास अवेलेबल है, आप लोगों ने प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर में ये पेज लगाए हुए हैं, तो आप इन पेज को सिलेक्ट करके प्रिंट करें। अदरवाइज नॉर्मली हम जो काम करते हैं वो लेटर्स पे या A4 पे काम करते हैं। इसके बाद मेरे पास है जी कॉलम्स। आप देखें बाय डिफॉल्ट जो मेरा पेपर काम कर रहा होता है वो A कॉलम पे कर रहा होता है। इस वक्त ये 1 कॉलम है, मैं चाहता हूं जी ये 2 कॉलम में चला जाए। ये देखें 2 कॉलम, वही टेक्स्ट है और वो 2 कॉलम में चला गया। मैं कहता हूं नहीं ये 3 कॉलम्स में चला जाए, तो ये 3 कॉलम्स में है। मैं कहता हूं नहीं जी मैं इसको 4 कॉलम में करना चाहता हूं, मैंने मोर कॉलम पे क्लिक किया और यहां से मैंने 4 कर दिया। ओके, तो ये 4 कॉलम्स में हो गया। लेकिन इशू क्या है, मैं इसको लेफ्ट राइट कर देता हूं। ये देखिए 2 कॉलम है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। इसी तरह मैं राइट लेफ्ट कर देता हूं। इशू यहां पे ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने 1 कॉलम रखा। अक्सर डॉक्यूमेंट ये देखा गया है कि ऊपर से ये 1 कॉलम है, नीचे से 3 कॉलम है या 2 कॉलम है। अक्सर पेपर में भी इस तरह आता है लेकिन स्टूडेंट्स को करना नहीं आता। सिलेक्ट करके नहीं करना। आपने क्या करना है, कर्सर वहां पे रखनी है। ये मैंने कर्सर यहां पे रखी इसके शुरू में। अब मैं जाता हूं कॉलम्स, मोर कॉलम्स, मोर कॉलम्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए रॉस लिखा हुआ क्या आ रहा है, होल डॉक्यूमेंट, यानी जो भी टाइप सिलेक्ट होगी वो किस पे अप्लाई होगी, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के। मैं कहता हूं नहीं मुझे दिस सेक्शन, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आगे करना है। तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और 2 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, आप देखें उसी पॉइंट से कर्सर मेरी उसी जगह पे है, उस पॉइंट से मेरा टेक्स्ट जो आगे 2 कॉलम्स में चला गया। मैं नेक्स्ट आता हूं, मैं कहता हूं अब इस पॉइंट पे आ जाओ। इस पॉइंट से वापिस मैंने टेक्स्ट रखना है अपना 1 कॉलम में या 3 कॉलम में। मैं अगेन गया कॉलम, मोर कॉलम्स, दिस सेक्शन, दिस पॉइंट। अब देखिए उसने एक सेक्शन बनाया इसका। अगर आप गौर से देखें एक और ये 2, इसमें 2 सेक्शन है, एक वो जिसमें 1 कॉलम, एक वो जिसमें 2 कॉलम। अब मेरी मर्जी कि मैं इस पॉइंट से फॉरवर्ड कर लूं, मेरी मर्जी मैं इस सेक्शन से फॉरवर्ड कर लूं। तो मैं क्या करना, कहता हूं मुझे इसी पॉइंट से फॉरवर्ड करना है, मोर कॉलम, दिस पॉइंट और 3 कॉलम। ओके, आप देखें वो 2 कॉलम क्योंकि वो पहला हमारा छोटा था वो वैसे का वैसे रहा। उसके बाद उसने देखे 3 कॉलम बना दी। अब मैं कहता हूं नहीं इस पॉइंट से मुझे अगेन 1 कॉलम करना है। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूं, कर्सर मैंने वहां पे रखी। अब मैं जाता हूं कॉलम्स, मोर कॉलम, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, 1 कॉलम। ओके, आप देखें ऊपर 3 कॉलम, उसके ऊपर 2 कॉलम, 1 कॉलम और नीचे फिर आपके पास 1 कॉलम जो है वो बन गया। तो ये डॉक्यूमेंट, अगर आपने पिक्चर लगानी है तो इसमें आप कहीं भी पिक्चर लगा लें, इंसर्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर जो यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं। ये देखिए मैं यहां से पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूं, ये पिक्चर ली। ये देखिए इसको हम छोटा करते हैं। और मैंने क्या कहा था कि पिक्चर को आप एडजस्ट करना, तो क्या करेंगे इसको स्क्वेयर कर देंगे। ये स्क्वेयर क्या, अब आप इस पिक्चर को जहां चाहो लगा लो। ये ले मैंने यहां पे ये लगाई है पिक्चर। अब इसमें क्या है, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी है, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी है, नीचे 3 कॉलम आप जगह पे एडजस्ट। जैसा कि इनकी स्पेस को कम करना है, अगर 2 कॉलम, हाँ तो इनके अगर स्पेस कम करनी है, ये आपका स्पेस कम, आप इंटेंडेंट की मदद से स्पेस कम और ज्यादा कर सकते, जहां पे जिस कॉलम का करना है उस कॉलम पे कर्सर रखनी है और उसकी स्पेस को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट के अंदर पेज ब्रेक। मैं अगेन से कंट्रोल जेड करता हूं ताकि कॉलम से हम वापस अपने 1 कॉलम में ही जो है वो आ जाइए। देखिए सिंपल टेक्स्ट आ गया मेरे पास, मैं जहां पर चाहूं, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि यहां से मेरा पेज नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको पहले भी लिखाई थी कंट्रोल एंटर, या आप यहां से जाके डायरेक्ट पेज ब्रेक कर दें। ये देखिए उसने क्या किया, उसके आगे लिख दिया है पेज ब्रेक और नीचे उस टेक्स्ट को नीचे लेके आ गया। नहीं करना, सिंपल कंट्रोल जेड कर दो। ठीक है,
इसके बाद लाइन नंबर्स आपकी मर्जी, आप कंटिन्यूस लाइन नंबर लगा दो, आपकी मर्जी, हर पेज पे बार बार लाइन नंबर जो है वो रिपीट हो। मैं पहले कहता हूं जी कंटिन्यूस, ये देखिए अब ये कंटिन्यूस लाइन नंबर्स लग गए हैं, ठीक है, दोनों पेजेस के ऊपर मेरा लाइन नंबर जो है वो लगा हुआ है, साइज में इसका लेटर में लिख कहता हूं, ये देखें। अब मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे ईच पेज पे लाइन नंबर दोबारा चाहिए, ये देखें, पहले पेज पे खत्म हुई, सेकंड पेज पे 1, 2, 3 शुरू हो गई, ऑप्शनल है, जरूरत हमें नहीं पड़ती लाइन नंबर्स की, हमें जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शनल है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में ये मस्ट भी हो जाता है कि जी लाइन नंबर्स आपने लगा के भेजना है, हमने उस लाइन नंबर को चेक करना, तो ये डिपेंड है ऑफिस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद है हाइफनेशन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हाइफनेशन, इसमें होता क्या है, आम रूटीन में अगर हम बात करें तो हम लोग पेपर देते थे, पेपर रिटन हो गया, कुछ टेक्स्ट हमारा लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम का एस, अब आगे स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डैश डाली, टर्म इधर डाल दिया, तो वो देखने वाला समझता था कि ये वर्ड है ये कंटिन्यूस। सेम इसमें भी है, मिसाल के तौर पे मुझे यहां पे नहीं पता कि इसमें कौन सा करेक्टर एक्स्ट्रा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसे कहता हूं हाइफनेशन कर दो ऑटोमेटिक, ये देखो उसने ये प्रो को उठाया, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो उसने कंज्यूम की, ये पहले नहीं था। मैं अगर इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूं, हाइफनेशन इसकी क्लोज करता हूं, नन, तो अभी देखिए कमांड्स, इट मींस कि यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस कहीं है जिससे ये प्रो अभी यहां पे आ सकता है, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं हाइफनेशन, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहां पे भी दे दी, यहां पे भी दे दी और यहां पे भी लगा दिया एप्लीकेशन के साथ। तो ये नॉर्मल रूटीन में अच्छी आदत ये है कि आप अपने पैराग्राफ की जो स्पेस है उसको कंट्रोल करो, नॉर्मल अगर हम जस्टिफाई करते तो महसूस नहीं होगा, मैं कहने अभी कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है, अब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई है, लेकिन क्योंकि हाइफनेशन है तो वो मेरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, उसकी जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। यहां तक पेज सेटअप में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंट, पैराग्राफ की स्पेस को कंट्रोल करना, एक तरीका तो ये है, अभी मैं देखता हूं कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल ए करने के बाद मैं होम में जाता हूं और यहां से एक ही लाइन नंबर स्पेस मैं 1.5 सब पे अप्लाई कर रहा हूं, यानी जितना भी वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, चाहे वो एक पेज का था चाहे वो 100 पेजेस का था, मैंने सब की जो लाइन स्पेस है वो क्या कर दी 1.5 की और उसको कंट्रोल जे कर दिया ताकि जस्टिफाई हो और 1.5 रहे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि इसमें हो सकता है कि पैराग्राफ की स्पेस में कोई मसला हो, मैं राइट क्लिक करता हूं और पैराग्राफ पे चला जाता हूं, आपकी मर्जी आप यहां पे जाके करो, आपकी मर्जी आप लेआउट में जाओ यहां से अप्लाई करो। अभी आप गौर से देखो तो टेक्स्ट जो सिलेक्ट है उसके बाद आफ्टर में 8 लिखा हुआ है कि 8 पॉइंट की, यानी जो एक पैरा लिखोगे वो पैरा जब खत्म होगा नेक्स्ट पैरे के शुरू होने में 8 पॉइंट की स्पेस में एक्स्ट्रा दूंगा। इट मींस कि मेरा ये पैरा और इस पैरे में आप देखो 8 पॉइंट की स्पेस है, इसी तरह यहां पे देखो 8 पॉइंट की स्पेस है, ये भी मैं खत्म करने लगा, यहां पे देखो 8 पॉइंट की स्पेस है, मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे इक्वली ये पैरा रखना था। ओके, मैं करता हूं जी अगेन इसको, यहां से मैंने बताया कि यहां से क्लिक कर लो, राइट क्लिक जाओ पैराग्राफ, मैंने यहां पे इसको जीरो कर दिया, जीरो, अब देखना आपका डॉक्यूमेंट जो है वो फर्क आपको नजर आएगा। ओके, ये देखिए अब कहीं पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि मेरे टेक्स्ट का पैरा कहां से शुरू हो रहा था। एक ऑप्शन तो ये है कि जो भी नया पैरा शुरू हो मैं उसके स्टार्ट में ये प्रेस कर दूं एक टैब, ताकि मुझे पता चले कि यहां से मेरा पैरा जो है वो शुरू हो रहा है, देखे ना अब हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये पैरा नेक्स्ट है, ये पैरा नेक्स्ट है। अगर ये नहीं था, ये देखिए नीचे कंटिन्यू टेक्स्ट है, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मेरा पैरा कहां पे खत्म हो रहा है, कहां पे खत्म होने का तो पता चल रहा है लेकिन शुरू कहां पे हुआ उसका कोई पता नहीं चल रहा। इसीलिए ये पैरा की स्पेस दी जाती है, मिसाल के तौर पर हमने पैरा को सिलेक्ट किया,
मैं कहता हूँ जी बिफोर जो है वो 6 कर दो, 12 कर दो, और आफ्टर में भी 12 कर दो। आप देखो हर पैरे के शुरू होने में ये शुरू हुआ 12, खत्म हुआ तो फिर 12 स्पेस, फिर नेक्स्ट। अब इसकी और इसकी आपस में कितनी स्पेस है? 12 है। इसकी और इसमें आपस में कितनी स्पेस है? 12 है। अब हमें वाजे पता चल रहा है कि हमारा पैरा जो है वो कहां से शुरू हो रहा है। दूसरा, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पैरा है इसकी इंटेंट बांट जाए। ये देखो ये पैरा यहां से शुरू हो जाए, यहां से। मैं कहता हूं ये वाला जो पैरा है ये इधर से खत्म हो जाए, ये मैं इधर। तो ये इंटेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप खुद भी मैनुअली भी कर सकते हो। मैंने इसकी मैनुअली कर दिया है। नेक्स्ट पैरे पे आते हैं, इसका भी मैं मैनुअली कर रहा हूं। या आप यहां पे लेआउट में जाके पैराग्राफ की सेटिंग में भी कर सकते हो। आगे के जो ऑप्शंस है अरेंजमेंट, ये हम लोग पहले भी पिक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, शेप में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्मार्ट आर्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी टूल पीछे पढ़ के आए हैं उन तमाम टूल्स में ये डिस्कस कर। होम, इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट। आज हमारा जो है वो लेआउट 4th टैब जो है वो भी खत्म हो गया।